यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते प्रशासन ने दिए हैं यह निर्देश। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने घाट लगते गांवों में मुआदी करवाई। गन्नौर यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीएम निर्मल नागर ने किया बेगा घाट का दौरा। बाढ़ बचाव राहत कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एसडीएम ने कहा यमुना नदी में पहले की तुलना में जलस्तर घटा है, फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर। घाट के लगते गांवों में मुआदी करवा दी गई है, ग्रामीण यमुना की ओर न आए। एसडीएम ने कहा रक्सेड़ा महावटी की तरफ से करीब 500 बीघे रकबे में पानी भरा है, संबंधित अधिकारियों को गिरदावरी करवाने के दिए निर्देश। मुनादी कराई गई है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जरूरत पड़ने पर ही अपने खेतों की तरफ आएं, और जो पशुओं से संबंधित चारा लेने के लिए वो है वो भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके आएं, और आम आदमी यमुना की तरफ ना जाए ताकि जनजीवन को बचाया जा सके। देखा है और रेवेन्यू स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, जब पूर्ण रूप से पानी उतर जाएगा तो रकबा वाइज फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेज दी जाएगी। सर यमुना में जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ, क्या स्थिति है बेगाघाट पे? हमारी स्थिति मेंटेन्ड है, कल पानी थोड़ा ऊपर था, आज पानी का स्तर नीचे गया है, और जैसे जैसे पीछे से जो पानी आ रहा है उसके हिसाब से वो है, तो आज से है तो आज कोई पानी छोड़ा नहीं गया, और यमुना बेगाघाट पे हमारी स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, हमारी टीम मुस्तैद है। वो पानी लगा है वो एक नेचुरल कोर्स के पानी के तहत लगा है, और वो समलखा से पीछे से पानी आया था एक किले की, उसमें वो कल आया था और आज पानी वो उतर चुका है, और आज वो 7-8 इंच पानी ही रह गया है, कल जबकि वो 3 फुट था। बतौली गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है, गांव में पानी है तो? बतौली गांव में हमने आज मोब कनेक्शन किया है, वो बरसात का नेचुरल पानी है जो कि ढलान की बेसिस पे आ रहा है, के संबंध में हमने PWD BNR से इंजीनियर्स बुलाए थे, इनके साथ विचार विमर्श किया गया, अभी पानी उतरने लग गया है। कल की अगर हम देखें, कल का कंपेरिजन करें तो आज पानी उतरा हुआ है, और वो जो हमारे पाइप्स हैं वो 600 mm के हैं, उनको एक बार हम दोबारा से फिर साफ़ करवा रहे हैं ताकि वो पानी की स्पीड से निकल जाए, और आगे के लिए हमने उसमें मैंने आदेश दिए हैं SDO BNR को कि भाई वो 1000 mm के पाइप इस सड़क के अंदर दबा के, ताकि आगे कभी ऐसा स्थिति बनती है तो पानी जल्दी से क्रॉस हो सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।